Aufpassen. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसकेके अर्थ के इस खास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं अदवा डैम मिर्जापुर का एक बहुत ही रोचक व जानकारी से युक्त वीडियो। फ्रेंड्स, अदवा डैम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बांध है जो बेलन की दो सहायक नदियों अदवा तथा कहंजुआ को बांधकर बनाया गया है। समुद्र सी लहराती विशाल जलराशि वाले इस बांध का निर्माण 1976 में पूर्ण हुआ था। इस बांध के निर्माण में कुल 609 लाख रुपए का खर्च आया था। इस बांध में लगभग 647 वर्ग किलोमीटर का विशाल जलग्रहण क्षेत्र है जिसकी कुल जलधारण क्षमता 881 लाख घन मीटर है। फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र की बड़ी ही आकर्षक पहाड़ियों के बीच बने इस बांध की कुल लंबाई 7.8 किलोमीटर है तथा बांध की अधिकतम ऊंचाई 20.48 मीटर है तथा जलाशय का विस्तार 1667 हेक्टेयर है। इस बांध की जल निकासी के लिए कुल 8 फाटक बने हुए हैं। यह बांध मिर्जापुर पर्यटन तथा फसलों की सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बांध से पर्यटन के अलावा मिर्जापुर जिले की तहसील लालगंज की ब्लॉक हलिया तथा प्रयागराज की तहसील कुराँव की लगभग 21,771 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जल मिलता है। इससे उन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 29,212 टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन होता है और यही अतिरिक्त अन्न उत्पादन तथा अन्य लाभ विकास का सूचक मान लोग मान के चलते हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है क्योंकि हमारी संकुचित बुद्धि केवल लाभ ही देख पाती है और उक्त लाभ को पाने हेतु दी गई कीमत की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती है। बांध के जलाशय में पानी भरने के उद्देश्य से नदी के प्रवाह को हम अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक तरह से नदी की हत्या हो जाती है और वह एक नाला मात्र बनकर रह जाती है तथा उसके डूब क्षेत्र में फंसकर कई एकड़ भूमि तथा वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। साथ ही नष्ट होती हैं डूब क्षेत्र में फंसे बासिंदों की खुशियां, सामाजिक ढांचा तथा उनका रहन सहन। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दें कि आज अदवा बांध जहां बना है उसके अंदर पहले अहुगी, सांगो, राजपुर, गुर्गी, कोठी, वैधा, चतुर्भुजा, सोनगढ़ा, पंवारी कला जैसे दसियों गांव बसा करते थे। उनके बड़े बड़े घर, कुएं, तालाब तथा बाग बगीचे थे। ये गांव फसल पैदावार, जैव विविधता तथा सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थे। मौर्य बाहुल्य इन गांव में भारी मात्रा में गन्ने की खेती होती थी। गन्ने की पेराई के लिए बनी पत्थर की चरखियां आज भी यहां पर भारी मात्रा में मिल जाया करती हैं। कोठी गांव के बिंद्रा मौर्य की आंखें आज भी अपने घर, जमीन तथा उनमें होने वाली फसलों को याद कर नम हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वे पत्थर की चरखियों से गन्ने की पिराई किया करते थे। उन गांव का गुड़ कभी रीवा, सीधी, मिर्जापुर, इलाहाबाद की बाजारों की रौनक हुआ करता था। फ्रेंड्स, हमारी बात को पुख्ता करती ये पत्थर की चरखिया है जिसमें प्राचीन काल में गन्ना पेरा जाता था और इन चरखियों में जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ये गन्ने की जो है ईख की छोटी छोटी गुल्लियां काटी जाती थी और इसमें भर दिया जाता था और भरने के बाद जो है बैलों से इसको पेरा जाता था और तब जाके ये रस निकलता था। इधर जगह बना हुआ है रस निकलने के लिए, लेकिन यह बड़े परिश्रम का काम था। कम से कम 20 किलो
गुड़ तैयार करने में दिन दिन भर लग जाता था, क्योंकि इससे जो पहले पेराई होती थी बहुत नाम मात्र का रस निकलता था एक बार में, और इससे जो है उसके गन्ने के की जो खोई होती थी, जो छिलका होता था, उसको फिर बाहर निकालना पड़ता था, फिर नई गुल्लियाँ डालना पड़ता था। लेकिन बांध के बन जाने से न सिर्फ उन गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ा, बल्कि उनकी सारी जमीन, घर, मकान, कुएं तथा बाग बगीचे आदि अदवा बांध की विशाल जलराशि में समाहित हो गए। सांगो, कोठी तथा चतुर्भुजा जैसे गांव तो समूल इस धरती के नक्शे से समाप्त हो गए। जिन गांवों के थोड़े बहुत भाग बचे भी हैं तो वो वहाँ के बासिंदों के जीवन बसर के लिए नाकाफी हैं। ऐसे गांवों के लोग अपनी जन्मभूमि से मोह भंग नहीं कर पाए और वहीं पर अपनी कुछ बची खुची जमीन पर झोपड़ी आज बनाकर रहने लगे। उनकी दशा आज और भी बदतर है। कारण, बांध निर्माण के समय मिलने वाली मामूली मुआवजे की रकम दलालों, भ्रष्ट अफसरों तथा फिजूल खर्ची के चलते कब खत्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। आज उनकी आय तथा उपयुक्त रोजगार का कोई साधन मौजूद न होने के कारण उनको नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, और उनके खेतों में बने बांध की विशाल जलराशि से भले ही सैकड़ों गांव की सिंचाई होती है, पर खुद इस बांध के होते हुए भी बांध के पास ही मौजूद बैधा जैसे गांव के लोगों को उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। कारण, ये गांव ऊंचे भागों में बसे हैं। वहां के लोग पूरी तरह से भगवान भरोसे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं बैधा गांव के श्री चंद्रबली जी। आपकी भी जमीन कभी अदवा डैम के डूब क्षेत्र में हुआ करती थी। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब बांध बंद रहा था उस समय आपकी जमीन कितनी थी वहाँ पर, और आपकी उम्र क्या थी, आपकी उम्र क्या रही होगी चंद्रबली जी? उस समय 10-12 साल के हम थे। अच्छा। बंधा जब बन रहा था। हाँ। बंधा बनने के बाद 2-3-4 साल के बाद पूरा हो गया तो पानी भर गया। हाँ। थोड़ा बहुत मुआवजा दे करके सिंचाई विभाग वहाँ से खदेड़ दिया। अच्छा, कितना जमीन रही होगी आपके पास उस समय? उस समय हमारे पास 20-25 बीघे जमीन थी। अच्छा अच्छा, तो सब फंस गया उसमें? सब फंस गया, कुछ छोड़ बहुत बची हुई है तो यहाँ दलालों के हाथ से मतलब के। अच्छा अच्छा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती थी? हाँ, सबसे ज़्यादा गन्ना की फसल होती थी। गन्ना की फसल, और हर हर जिनिस होता था। पानी वहाँ कुमाऊ था, पानी पर्याप्त था वहाँ पर, इसलिए हर हर चीज़ वहाँ पैदा होता था। अच्छा, तो वहाँ से विस्थापित होकर आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ कौन कौन सी फसल हो रही है? यहाँ बरसात के ऊपर है, बरसात हो गया तो सब फसल होती है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। अच्छा, अदवा बंधा का पानी आप लोग जहाँ बसे हैं यहाँ पर अब नहीं पहुँचता? नहीं, बहुत दूर है ना यहाँ से, इसलिए हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है? सरकार कोई ध्यान नहीं दिया इस पर, जो है हैंडपंप लगवा करके अपन फुर्सत हो गई। अच्छा, कभी कभी पानी पीने के लिए भी निश्चय होना पड़ता है। पानी पीने के लिए भी यहाँ कमी है? ठीक, क्या करें। आपने देखा फ्रेंड्स, ये है बैधा गांव के किसानों की असली हकीकत। सरकार का भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है, वह सिर्फ बांध बनाकर ही मस्त है। अगर थोड़ा बहुत सरकार इस बात पर ध्यान दे तो ऐसे गांवों में भी पानी पहुंच सकता है और उन गांवों के किसानों की खुशियां पुनः वापिस आ सकती हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह खास यूट्यूब चैनल पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोमांचकारी व बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।